हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मैं आपके साथ पॉलिटी के एनसीईआरटीज डिस्कस कर रही हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि आप लोग उसको एक पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं। इसी तरह प्लीज़ इफ़ यू लाइक दीज वीडियोस लाइक देम, राइट मी अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो यू नो इट कीप्स अस मोटिवेटेड। हम लोग को सब कुछ ना कुछ मोटिवेशन चाहिए लाइफ में। दिस इज़ द मोटिवेशन दैट वी गेट एज एजुकेटर्स कि हमारी बात आप तक पहुँच रही है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, बिकॉज ऑल ऑफ अस नो हाउ इम्पॉर्टेंट दीज एनसीईआरटीज आर। सो लेट अस गेट गोइंग, लेट अस अंडरस्टैंड द थर्ड चैप्टर। आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे। इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इससे पहले ऑफकोर्स हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर कर आए हैं, क्लास 10th की एनसीईआरटी पूरी कर कर आए हैं, 11th की फर्स्ट बुक पूरी करी है, 9th क्लास की बुक कंप्लीट करी है। सो ऑल दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल ऑन द चैनल। प्लीज़ गो प्ले लिस्ट पर जाइए, उनको कंप्लीट करिए और अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करिए। तो लेट्स डाइव ऑन दैट नोट इनटू चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इक्वालिटी। अब आई एम श्योर ये शब्द आपने कभी ना कभी सुना होगा, डिस्कशंस में, डिबेट्स में इसको देखा होगा। ये चैप्टर आपके प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेंस पर्सपेक्टिव से भी ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। दे माइट आस्क यू सर्टन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस फॉर योर मेंस ऑल्सो। तो सबसे पहला सवाल जो हम यहाँ देखेंगे वो ये है कि इक्वालिटी है क्या, क्यों हमें इक्वालिटी के बारे में पढ़ना चाहिए, क्या इक्वालिटी का मतलब ये है कि हमको सबके साथ समान ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या इक्वालिटी के कुछ डायमेंशंस भी हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। याद करिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किताब जब हम पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कैसे प्रियम्बल में इक्वालिटी को जगह है। वी ऑल्सो हैव एन एंटायर राइट टू इक्वालिटी एज आर फंडामेंटल राइट। तो ये बातें मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा के आई हूँ। अब हम इसका फिलोसफिकल या फिर थियोरेटिकल एस्पेक्ट इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारे सामने ये आता है कि ये इक्वालिटी इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। चाहे मैं मॉरल पर्सपेक्टिव से बात करूँ या मैं पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बात करूँ, दोनों ही पर्सपेक्टिव से इक्वालिटी का बहुत महत्व है। तो व्हेन वी से इक्वालिटी, हमारा एक अजम्पशन रहता है कि सारे ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल बिकॉज दे बिलोंग टू दिस वन आइडेंटिटी विच इज़ कॉल्ड ह्यूमन रेस। तो देर इज नो, गॉड हैज़ नॉट मेड एनी डिस्टिंक्शंस, गॉड हैज़ नॉट क्रिएटेड रिलीजन, गॉड हैज़ नॉट क्रिएटेड रेस, गॉड हैज़ नॉट क्रिएटेड नेशनैलिटी। तो एज अ कॉन्सेप्ट ऑन मॉरल ग्राउंड हम सब ह्यूमन्स हैं और इसीलिए हम इक्वल हैं। अगर पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारे बीच में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ आर कलर, मे बी आर जेंडर, मे बी आर रेस और नेशनैलिटी। कहने का एक सिंपल मतलब है कि इक्वालिटी इमर्जेस फ्रॉम द आइडिया कि सारे ह्यूमन बीइंग्स को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सारे ह्यूमन बीइंग्स को इक्वल कंसिडरेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि उनमें कोई फर्क नहीं है। दे आर ऑल क्रिएटर्स ऑफ नेचर, क्रिएशंस ऑफ नेचर और क्रिएशंस ऑफ गॉड। अब आप देखिए इतनी इंपॉर्टेंट है इक्वालिटी कि टाइम एंड अगेन दुनिया में इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल किया गया। अगर आप 18th सेंचुरी में चले जाएं तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज का स्लोगन क्या था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रटर्निटी। तो इक्वालिटी वहाँ पर भी मैंशन थी। आप इंडिया का पूरा फ्रीडम स्ट्रगल देख लीजिए, हम भी इक्वालिटी के लिए तो लड़ रहे थे। बार बार हम कह रहे थे कि हमको सेकेंड क्लास सिटीजन्स की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है। एंड सारा जो है हमारा एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल है या अपार्थाइड का स्ट्रगल जो मैंने आपको पढ़ाया था साउथ अफ्रीका में, इन सब जगह एक ही तो कॉमन डिमांड थी कि हमें क्या चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। सो वी सी वर्ल्ड ओवर लोग इक्वालिटी के लिए लड़ाई करते हैं और आज भी इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल चलता है उन लोगों के साथ जो आज इक्वल फील नहीं करते। सो मे बी विमेन, जिनको अभी भी पूरी तरह से इक्वालिटी नहीं मिली है, वेदर यू अग्री और नॉट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, या फिर दलित्स या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। द पॉइंट इज आज भी जो इक्वल नहीं है वो इक्वालिटी के लिए लड़ाई कर रहा है। नाउ ऑब्वियसली एक बात तय है कि आज से 100 साल पहले और आज में ये डिफरेंस है कि आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं वर्ल्ड ओवर वो इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को अपनी लॉ बुक में जगह देते हैं। सो इफ यू आर रीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यू वुड सी द वर्ड इक्वालिटी मेंशन देयर। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी को एज अ कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया गया है। बट हियर इज द कैच, हालांकि सारे कॉन्स्टिट्यूशंस में आपको इक्वालिटी टर्म लिखा हुआ मिलेगा, इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को जगह मिलेगी, लेकिन जब आप रियलिटी में अपने आसपास देखते हैं तो आपको कहीं इक्वालिटी नहीं दिखती। रादर यू ओनली सी इन इक्वालिटी अराउंड यू। एक तरफ आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखेंगे, दूसरी तरफ आप स्लम्स देखते हैं, एक तरफ आप गवर्नमेंट स्कूल्स देख रहे हैं जहाँ
बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, एक तरफ एसी क्लासरूम्स हैं, सम पीपल डोंट हैव वाटर एंड सम आर डाइनिंग इन फैंसी रेस्टोरेंट. सो सी आई एम नॉट पुटिंग एनीबडी डाउन हियर और इसमें सही गलत हम डिस्कस नहीं कर रहे. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दो इक्वालिटी इज मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, व्हेन यू लुक अराउंड आपको कहीं ना कहीं इक्वालिटी नजर नहीं आती, यू ओनली सी इनइक्वालिटी. अब देखिए एक फैक्ट शीट एनसीईआरटी में दी गई है, लेकिन ये फैक्ट शीट काफ़ी पुरानी है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2005 से ली गई है. सो आई विल शो यू सम लेटेस्ट डेटा रादर देन गोइंग इनटू दिस ओल्ड डेटा. मैं आपको वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट का कुछ डेटा दिखाती हूँ एंड यू कैन ऑल्सो कोट दैट डेटा इन योर आंसर्स. लुक एट दिस डेटा, ये दो डेटास मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाह रही थी. ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार इफ यू लुक एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, तो जो दुनिया के पुअरेस्ट 50% हैं, बॉटम से जो 50% है, दे हैव जस्ट 2% ऑफ द टोटल वेल्थ. एंड इफ यू लुक एट द टॉप 10%, दैट इज द रिचेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, दे हैव 76% ऑफ द वेल्थ. तो 50% सिर्फ 2% पे सर्वाइव कर रहे हैं, जबकि जो रिचेस्ट 10% है, दे हैव 76% ऑफ द वेल्थ. आप कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे समझिए, डिफरेंस यहाँ पे समझिए. एंड इसमें भी इफ यू गो टू मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज, वो और ज्यादा अनइक्वल हैं. ऑफकोर्स यूरोप अगर आप चले जाएं तो इनइक्वालिटी के लेवल लो हैं. सो दिस इज वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022. व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट हियर वाज द ग्लैरिंग स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन व्हाट द टॉप 50% इज अर्निंग एंड टॉप 10% इज अर्निंग एंड द बॉटम 50% हैव टू सर्वाइव ऑन. इसका मतलब हम एक पैराडॉक्स की दुनिया में रहते हैं. बिल्कुल ठीक बात है. क्यों? क्योंकि एक तरफ तो सब लोग इक्वालिटी को एक्सेप्ट करते हैं एज एन आइडल आइडियल, बट एट द सेम टाइम हमें सब जगह इनइक्वालिटी दिखती है. तो वी डेफिनेटली लिव इन अ पैराडॉक्स, वी लिव इन अ कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, जहाँ पर एक तरफ वी अग्री दैट देयर शुड बी इक्वालिटी, दूसरी तरफ हर तरह तरह से हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है. तो द क्वेश्चन इज, ऐसा क्या किया जाए इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया जाए? किस तरीके के ट्रीटमेंट्स, स्पेशल ट्रीटमेंट्स दिए जाएं उन लोगों को जिनको रेस में आगे आने की ज़रूरत है? व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज शुड द गवर्नमेंट मेक ताकि एक इगैलिटेरियन सोसाइटी क्रिएट हो? ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड इक्वालिटी है क्या. देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, कलर्ड विल बी सर्व्ड इन रियर, ड्रिंकिंग वाटर वाइट्स के लिए अलग है, कलर्ड के लिए अलग है, रेस्ट रूम के आगे लिखा है सिर्फ वाइट्स ओनली. देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वर रेस्टोरेंट्स दैट सेड इंडियंस आर नॉट अलाउड. ये आप देखकर एक बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर ह्यूमंस को आप स्किन कलर या रेस के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जो डेफिनेटली एक्सेप्टेबल नहीं है. ये जो डिफरेंस है, ये जो डिस्टिंक्शन है, ये हमारी सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी को वायलेट करते हैं. क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव टू हैव सेम रिस्पेक्ट, सबकी रिस्पेक्ट है, सबकी डिग्निटी है, उसको आप कभी भी हार्म नहीं करेंगे. However, when you say that people should be treated equally, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको हमेशा identical way में treat करेंगे. देखिए ये possible ही नहीं है. ये utopian society में अगर आप चले जाएंगे, अगर आप ये कहेंगे कि all members of the society should be treated equally, obviously if you have a prime minister, if you have a president, if you have let's say somebody serving in the armed forces, उनको जो treatment मिलेगा, उनको जो rank मिलेगा, उनको जो respect मिलेगी, वो आपको मुझे नहीं मिलेगा. एंड दैट्स व्हाई मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस. तो कोई ये तो नहीं बोलता कि आईएएस को इतनी रिस्पेक्ट क्यों मिल रही है, मैं बैंक में एक्स वाई जेड पोजीशन पे, आई एम नॉट डिमीनिंग एनीथिंग, बट मुझे नहीं है. तो उस इनइक्वालिटी को हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, बिकॉज जस्ट बिकॉज आईएएस ऑफिसर को या पीएम को अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, प्रिविलेजेस मिल रही हैं, या स्टेटस मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ सोशल रिस्पेक्ट जो है आपकी हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बैंक में काम कर रहे हैं या जो किसी और ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको आप बेसिक ह्यूमन डिग्निटी नहीं दे रहे हैं. ऑब्वियसली अगर यहीं पर आप ये बोल देंगे कि दिस रेस्टोरेंट इज ओपन ओनली फॉर आईएएस ऑफिसर, राइट, नोबडी एल्स वुड एंटर दिस, तो वो इनइक्वालिटी होगी. एट टाइम्स डिफरेंस इन ट्रीटमेंट एक्सेप्टेबल हो सकता है. हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा ट्रीटमेंट एक्सेप्टेबल है, कौन सा डिफरेंस एक्सेप्टेबल नहीं है? पहली बात, एज लॉन्ग एज दोज पीपल हु आर गेटिंग दैट रैंक, गेटिंग दैट स्टेटस, आर नॉट मिसयूजिंग दोज प्रिविलेजेस, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. एंड एज लॉन्ग एज आपकी बेसिक ह्यूमन डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, वो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट एक्सेप्टेबल है. इस बात को समझिए. फॉर इंस्टेंस लेट्स से कोई एक बच्चा है जो एक स्लम में पैदा हुआ है, जस्ट बिकॉज वो बच्चा स्लम में पैदा हुआ है इसलिए उसको खाने को खाना
और ठीक ठाक एडुकेशन नहीं मिल रही, दिस इज इनइक्वालिटी, क्योंकि यहाँ उसकी कोई गलती नहीं है एंड दिस इज अनफेयर, दिस इज प्लेन ग्रॉस अनफेयर. जब लोगों को आप डिफरेंटली ट्रीट करते हैं ओनली बिकॉज दे आर बॉर्न इन अ पर्टिकुलर रिलीजन, और लेट्स से दे आर बॉर्न टू अ पर्टिकुलर रेस और कास्ट, और लेट्स से दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर जेंडर, और आप उनके साथ अलग बिहेव करेंगे, ये एक अनएक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी है. आप औरत को एक पर्टिकुलर राइट नहीं देंगे ओनली बिकॉज शी इज बॉर्न अ वुमन, और कोई डिफरेंस नहीं है, हम आपको सीईओ नहीं बनाएंगे क्योंकि आप औरत हैं, तो ये इनइक्वालिटी है. अगर कोई इंसान एक डिफरेंट एम्बिशन लेकर चलता है, गोल लेकर चलता है, एक इंसान आईएएस बनता है दूसरा नहीं बनता है, इस बेसिस पे समबडी इज सक्सेसफुल समबडी इज नॉट, तो आप इसको ये नहीं बोल सकते ये इनइक्वालिटी है, मुझे भी आईएएस बनाओ, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, तो सम वाइल सम में बिकम गुड म्यूजिशियंस, सम में नॉट, राइट, सम में बिकम फेमस, सम में नॉट, सम में रीच पिनाकल्स ऑफ सक्सेस, सम में नॉट. तो इस बेसिस में आप ये नहीं बोल सकते कि ये इनइक्वालिटी है, ये सिर्फ एक चॉइस का डिफरेंस है. बट अगर आप किसी के साथ भेदभाव इस बेसिस पे कर रहे हैं बिकॉज दे आर बॉर्न इन अ पर्टिकुलर फैमिली, टू अ रिलीजन, टू अ कास्ट, टू अ क्रीड, तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये डेफिनेटली इनइक्वालिटी होगी. नाउ लेट्स फॉर अ मिनट टॉक अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. डेफिनेटली इक्वालिटी का ये मतलब है कि सारे लोग, सारे ह्यूमन बींग्स को सेम राइट्स मिलने चाहिए. बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अपॉर्चुनिटीज मिलना बहुत ज़रूरी है. नाउ इट माइट हैपन दैट समबडी माइट बी मोर टैलेंटेड, बट आर यू गिविंग देम इनफ अपॉर्चुनिटी टू शोकेस देयर टैलेंट, टू परस्यू देयर गोल्स एंड एम्बिशन? क्या भारत में पैदा होने वाले एक गरीब बच्चे के पास ये सपना देखने की अपॉर्चुनिटी है कि वो एक दिन आईएएस ऑफिसर बन पाएगा? क्या उसके लिए उसको इनफ स्कॉलरशिप्स मिल पाएंगी? क्या उसे वो स्किल्स प्रोवाइड की जा पाएंगी? बट जस्ट बिकॉज यू गो ऑन टू बिकम अ वेरी सक्सेसफुल क्रिकेटर और अ लॉयर, इसका मतलब ये नहीं है सोसाइटी अनइक्वल है. सम पीपल विल डू बेटर देन अदर्स, दैट्स ओके, बट इज एवरीबडी गेटिंग द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्रूव देमसेल्फ? अगर आपने सबको अपॉर्चुनिटी दे दी, अब उसमें से कुछ लोग आउट परफॉर्म कर रहे हैं एंड दे आर द बेस्ट ऑफ पीपल्स, तो वो अनइक्वल या इनइक्वालिटी नहीं है. तो लैक ऑफ इक्वालिटी इज नॉट अबाउट एवरीबडी, और इक्वालिटी इज नॉट अबाउट एवरीबडी शुड हैव सेम मनी और सेम काइंड ऑफ प्रिविलेजेस. बट द प्रॉब्लम इज जब आप बेसिक गुड्स नहीं दे पाएंगे ना लोगों को, जब सबके पास शिक्षा का अधिकार नहीं है, दे डोंट हैव इनफ मनी टू हैव अफोर्ड अ बेसिक हेल्थ केयर, या उनके घर के ऊपर छत नहीं है, दैट मेक्स अ सोसाइटी अनइक्वल. तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जरूर याद रखिएगा. कंप्लीट इक्वालिटी आप कभी अचीव नहीं कर सकते, ना कभी एग्जिस्ट करती थी ना कभी एग्जिस्ट करेगी. बट जब आप इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज देते हैं, तब आप इन इक्वालिटी के क्रीपन करने की संभावना को भी कम कर देते हैं. सो इफ यू आर गिविंग पीपल द राइट टू एजुकेशन, इफ यू आर प्रोवाइडिंग देम विद बेसिक हेल्थ केयर और बेसिक फूड, के पास ये ऑप्शन होगा, वो ड्रीम कर पाएंगे, दे कैन डिवेलप देयर स्किल्स, देयर टैलेंट्स, दे कैन थिंक ऑफ रीचिंग दैट पर्टिकुलर आइडियल स्टेट ऑफ इक्वालिटी. अब बात करते हैं नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटीज़ की. देखिए ये डिस्टिंक्शन कुछ थ्योरीज में माना जाता है, कुछ स्कॉलर्स इस पर्टिकुलर डिस्टिंक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते. पहले समझ लेते हैं कि नेचुरल इनइक्वालिटीज़ और सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ में क्या फ़र्क होता है. नेचुरल इनइक्वालिटी मतलब ऐसी इनइक्वालिटी जिसके साथ आप पैदा हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल माइट नॉट यू नो हैव द एबिलिटी टू सी, राइट, दे आर बॉर्न ब्लाइंड. हमें मानना पड़ेगा कि ये इनइक्वालिटी है. 50 फैंसी शब्द आप यूज कर लीजिए, बट दे डोंट हैव इनफ विजन इन देयर आई एंड दैट इज एन इनइक्वालिटी. तो अब इसको आप नेचुरल इनइक्वालिटी के कैटेगरी में डाल सकते हैं. सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटी वो है जो समाज ने क्रिएट करी है, क्योंकि आपने बोल दिया आप एक्स वाई जेड कास्ट को बिलोंग करते हैं, इसीलिए आप ए बी सी से अलग हैं और नीचे हैं. तो इसके साथ ये पैदा नहीं हुए थे, दिस वॉज अ सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटी, ये कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्योंकि आप एक डिफरेंट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, एबिलिटीज के साथ पैदा हुए हैं. अगर वहाँ कम ज़्यादा है तो वो नेचुरल इनइक्वालिटी है. ये नेचुरल डिफरेंसेस हैं जिसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते, जबकि सोशल इनइक्वालिटीज आपने ही क्रिएट करी हैं. यू हैव क्रिएटेड दैट इनइक्वालिटी. कास्ट सिस्टम ह्यूमंस द्वारा क्रिएटेड है, वो अनजस्ट है, दैट इज समथिंग दैट इज सोशली क्रिएटेड इनइक्वालिटी. तो डेफिनेटली इससे हमें समझ में आ
सकता है दैट यू नो देर आर सम इनइक्वालिटीज दैट यू कांट डू एनीथिंग अबाउट, बट देर आर सर्टेन इनइक्वालिटीज जो आपने क्रिएट करी है तो उनको आप डेफिनेटली खत्म कर सकते हो. फॉर इंस्टेंस लेट्स से यू माइट हैव हर्ड ऑफ दिस थिंग दैट वुमेन आर द वीकर सेक्स, राइट? दे आर टिमिड. एक समय पे ऐसा भी माना जाता था कि इनको राइट टू वोट मत दो, ये दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते. दिस इज वॉट इज वॉट योर ब्रेन हैज क्रिएटेड, दिस इज फार फ्रॉम ट्रूथ. देयरफॉर ये एज अ टूल इस्तेमाल किया गया ताकि वुमेन को इक्वल राइट्स ना देने पड़े. तो दिस वॉज वॉट दिस वॉज सोशली क्रिएटेड इन इक्वालिटी. बट एक पॉइंट यहाँ पर और है, कई सारे स्कॉलर्स का आजकल ये मानना है दैट इवन नेचुरल डिफरेंसेस को लोग ओवरकम कर पा रहे हैं. तो पीपल हु आर नॉट एबल टू सी हैव ब्रेल, पीपल हु आर नॉट एबल टू वॉक हैव व्हील चेयर्स टू सपोर्ट देम, आर्टिफिशियल लिम्स टू सपोर्ट देम. पीपल लाइक स्टीफन हॉकिंग जिनका द बॉडी वॉज नॉट वर्किंग, ही कुडंट स्पीक, ही कुडंट मूव, बट ही हैज डन सो मेनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंसेस. तो साइंस के डेवलपमेंट से हम कहीं ना कहीं नेचुरल इनइक्वालिटीज को भी कुछ हद तक करेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं. बट यहाँ हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, सोशली इंड्यूस्ड इनइक्वालिटीज जो बिल्कुल मैन मेड है, ह्यूमन क्रिएटेड है. अब आप देखिए ना, मैन मेड, इवन पीपल माइट दे हैव पीपल हु हैव ऑब्जेक्शन टू दिस वर्ड ऑल्सो, बिकॉज वेन यू से मैन मेड यू फॉरगेट वुमन मेड. ओके, दैट वुड बी टेकिंग इट टू फार, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि सोशल इनइक्वालिटी को आप कब कर सकते हैं, सोशली इंड्यूस्ड इनइक्वालिटी को आप रोक सकते हैं, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट यू हैव क्रिएटेड इन अ सोसाइटी एंड यू कैन डेफिनेटली मूव अबव इट. एज आई सेड, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी. अब बात करते हैं थ्री डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी की, दैट इज पोलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक. ये तीन कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिए और समझिएगा. जब मैं पोलिटिकल इक्वालिटी कहती हूँ, सबसे पहली बात आती है सिटीजनशिप. एक अगर देश में रह रहे हैं, यू आर द सिटीजन ऑफ वन कंट्री, ऑल द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री आर मेंबर ऑफ द स्टेट एंड देयरफॉर दे आर इक्वल. तो उसके साथ क्या क्या राइट्स आते हैं आपके पास, क्योंकि आप पॉलिटिकली इक्वल हैं, आप सबके पास होगा राइट टू वोट इररिस्पेक्टिव. नाउ दिस मे साउंड वेरी ओके टुडे, आज आपको बड़ा छोटी सी बात लग सकती है ये, बट देयर वाज अ टाइम जब सबके पास राइट टू वोट नहीं था. देर वॉज अ टाइम जब राइट टू वोट आपकी प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट था, आपके एजुकेशन पे डिपेंडेंट था, आपके जेंडर पे डिपेंडेंट था इनफैक्ट. बट टुडे इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, यू हैव राइट टू वोट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यू हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यू कैन बिकम अ पोलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन भी साथ साथ आता है. यू कैन मूव ऑल अक्रॉस द कंट्री, यू कैन फॉर्म एसोसिएशन, यू हैव फ्रीडम ऑफ बिलीव. ये सारे राइट्स आपको बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग द सिटीजन ऑफ अ सेम कंट्री मिलते हैं. बट इवन देन इनइक्वालिटी एग्जिस्ट. द पॉइंट हियर इज ये इनइक्वालिटीज सोशल और इकोनॉमिक स्फीयर में एग्जिस्ट करती है. इवन इफ आई लुक एट इंडिया, ऑल ऑफ अस आर पॉलिटिकली इक्वल, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, हम सब पॉलिटिकली इक्वल हैं. एक ये कॉमन ग्राउंड है जिसमें हम सबके पास राइट टू वोट है. याद करिए वो लाइन, आप जहाँ आप लगे रहते हैं वहाँ आपके मोहल्ले के सबसे अमीर भी खड़े होते हैं, और वहीं आपके यहाँ पर जो मार्जिनलाइज सेक्शन है वो भी उसी लाइन में खड़े होते हैं. तो राइट टू वोट इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस हैव सिक्योर्ड एंड वी आर डेफिनेटली पॉलिटिकली इक्वल. बट वी नीड टू आस्क आर सेल्फ, आर वी सोशली एंड इकोनॉमिकली इक्वल? क्योंकि अगर आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना है तो सिर्फ पॉलिटिकल इक्वालिटी से काम नहीं चलेगा, आपको सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी में ही तरक्की करनी पड़ेगी. Now, some people may say कि फिर मैम लीगल मेथड या पोलिटिकल इक्वालिटी की क्या ज़रूरत है. बहुत ज़रूरत है. ऑल दो पोलिटिकल इक्वालिटी अपने आप में काफ़ी नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है. क्योंकि अनलेस यू विल गिव पोलिटिकल इक्वालिटी, यू कॉन्ट टॉक अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. तो ये मत सोचिएगा कि जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट सफिशेंट इट शुड नॉट बी देयर. लॉज आर नॉट सफिशेंट इन देम सेल्फ, लॉ होते हुए भी रेप केसेस आते हैं, बट दिस डज नॉट मीन कि आप उसके लिए कोई लॉ ही नहीं बनाएंगे. तो पोलिटिकल इक्वालिटी इज द बेसिस, बट वी नाउ नीड टू अंडरस्टैंड सोशल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. टॉकिंग ऑफ सोशल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी क्या है? ऑब्वियसली हमने इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बात कर लिया कि लॉ के नज़र में सब इक्वल हैं, पोलिटिकली सब लोग इक्वल हैं. बट वॉट अबाउट इन द आइज ऑफ द सोसाइटी, वॉट अबाउट द सोसाइटी दैट वी लिव इन, आर वी इक्वल इन द आइज ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो? देखिए पॉलिटिकल इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है ताकि उन लीगल हर्डल्स को हटाया जा सके, ताकि बेसिक ह्यूमन इक्वालिटी को स्टैब्लिश किया जा सके, ताकि लोगों को बेसिक अपॉर्चुनिटी मिले, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिले,
बट कहीं ना कहीं आपको सोसाइटी में भी इक्वालिटी लानी पड़ेगी. तो इज एवरीबडी इन सोसाइटी हैविंग इक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर? आर यू ट्रीटिंग एवरीबडी इन अ सोसाइटी इक्वल? आर दे कंसिडर्ड, ऑल ऑफ देम आर कंसिडर्ड मेंबर्स ऑफ द सेम सोसाइटी? कहीं सोसाइटी में आप कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे अनइक्वल ट्रीटमेंट तो नहीं कर रहे? क्या सोसाइटी में सबके पास इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि टैलेंट वेस्ट हो रहा है, पीपल आर नॉट एबल टू एंजॉय दैट, राइट? जेंडर का कॉन्टेक्स्ट भी डिस्कस कर लेते हैं. क्या सोसाइटी में वुमेन हैव द राइट और द इक्वल राइट टू हैव अ से इन द फैमिली, और देर इज पेट्रियार्की इन द सोसाइटी? आर दे प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग सर्टेन काइंड ऑफ रोल, सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटीज? तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पोलिटिकली तो आपने इक्वल कर दिया लोगों को, पर क्या सोसाइटी भी उनको इक्वल मान रही है? क्या सोसाइटी में भी इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है? टू डू दिस स्टेट हैज टू हैव अ बिग रोल. स्टेट का इन मैटर्स में बहुत बड़ा रोल है. आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको इस डिस्क्रिमिनेशन को रोकना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे. सो यू विल हैव टू ब्रिंग दोज पीपल ऑफ द सोसाइटी, दोज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो सोशली अनइक्वल हैं, टू कम इन रेस विद पीपल हु आर फार अहेड. तो अगर आप गवर्नमेंट फॉर्म्स देखते हैं जहाँ विमेन से फीस नहीं ली जाती, तो कई लोग नाराज होते हैं कि मतलब अगेन एवरीबडी हैज ओपिनियंस हियर, बट उनसे क्यों फीस नहीं ली गई? बट दैट्स अ वे गवर्नमेंट इज इंसेंटिवाइजिंग. या सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाएं चलती हैं जहाँ अगर गर्ल चाइल्ड पैदा हो रही है तो उसके कुछ फायदे गवर्नमेंट दे रही है. ऑल दिस इज डन ताकि उस सोशल स्फेयर में जो लोग पीछे रह गए हैं, जो सेक्शंस पीछे रह गए हैं, उनको आगे लाया जा सके. एंड ऑब्वियसली इसके लिए यू हैव टू रेज अवेयरनेस, यू हैव टू सपोर्ट दीज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. बिकॉज रिमेंबर, सिर्फ पोलिटिकल इक्वालिटी से काम नहीं चलेगा, सोशल इक्वालिटी भी उतनी ही जरूरी है. एंड फाइनली इकोनॉमिक इक्वालिटी. अब देखिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी का आप ये मतलब मत समझिएगा कि जितने पैसे अंबानी के पास हैं उतने ही पैसे मेरे पास होने चाहिए, बराबर डिवाइड करो. ना तो ऐसी इक्वालिटी कभी एग्जिस्ट करती थी और ना ही ऐसी इक्वालिटी कभी एग्जिस्ट करेगी. लेट्स फेस दिस, राइट? बट अगर एक सोसाइटी में ये जो डिफरेंस है ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, ये बहुत ज़्यादा है. द रिच इज वेरी रिच, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एंड द पुअर इज वेरी पुअर, तो ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का एक प्राइम इंडिकेटर है. हाउ मेनी पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन? क्या बहुत सारे लोगों को 3 स्क्वायर्स मील नहीं मिल रही? दी एब्सोल्यूट इक्वालिटी, अगेन एनसीईआरटी भी कह रहा है, कभी भी अलाउड नहीं होगी, कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी. यू विल नेवर हैव परफेक्ट डिविजन ऑफ वेल्थ. बट कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग इतने गरीब हैं कि वो अपने रोज का खाना भी अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड एजुकेशन, दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड हेल्थ केयर? ऐसी इनइक्वालिटी काफी डेंजरस हो सकती है. इट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस. जेनरेशंस इसमें सफर कर सकती हैं. एंड वी हैव टू डू समथिंग टू रिड्यूस दिस इनइक्वालिटी. इसीलिए आप देखते हैं सोशल सेक्टर की स्कीम्स चलती हैं. फॉर एग्जांपल, यू हैव पेंशंस, यू हैव स्कॉलरशिप्स और फॉर्म में वेवर्स, या फिर आजकल आपने देखा है इंडिया में EWS रिजर्वेशंस. ये क्या तरीके हैं? ये वो तरीके हैं जिससे इकोनॉमिक इक्वालिटी लाने की कोशिश की जाती है. हमारे यहाँ पर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मतलब अगर आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो आपका टैक्स रेट भी उसी हिसाब से बढ़ता है. क्यों? ताकि इस पैसे को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सके फॉर पीपल हु आर नॉट एबल टू इवन अफोर्ड 2 स्क्वायर्स मील अ डे. This is very important. You cannot create a perfectly economically equal society, but you need to see कि ये जो gap है between the rich and the poor, ये कितना है, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, and how many of them are not able to afford for their basic survival needs, right? अब यहाँ पर आपके NCERT आपको दो concepts भी पढ़ा रही है. One is the concept of Marxism and the other is liberalism. एक दूसरे से बिल्कुल अलग ideologies हैं. बहुत ही ब्यूटीफुली शॉर्ट में इसको समझेंगे. कार्ल मार्क्स अपने समय के एक रेवोल्यूशनरी थिंकर थे. अगर इफ़ यू गो टू द रूट्स ऑफ कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी, तो वो तो काफ़ी व्हाट डू यू कॉल इट, काफ़ी स्ट्रिक्ट आइडियोलॉजी है. कार्ल मार्क्स को तो ये कहना था कि जो दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स है ना, ये जो रिच और पुअर का डिवाइड है, बोर्जुआ और प्रोलेटेरियट्स नाम वो देते थे उनको, कहते थे ये जो प्रोड्यूसर्स हैं इनके हाथ में सब कुछ है, दे आर द ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑयल, रिसोर्सेज, लैंड, ये सब इनके पास है, और जो गरीब है, जो वर्कर है, वो इनको इस रिसोर्स से पैसा कमा के दे रहा है. और पैसे का एक ज़्यादातर अमाउंट किसके पास चला जाता है? इस बोर्जुआ क्लास के पास,
या फिर इस प्रोड्यूसर क्लास के पास, जिस वजह से ये क्लास डिस्टिंक्शन कभी ख़त्म नहीं होता। तो वैसे तो उन्होंने इसका एक सोल्यूशन ब्लडी रेवोल्यूशन बताया था, सारे टॉप जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको ख़त्म कर दो, बट ऑब्वियसली वी विल नॉट टॉक अबाउट इट बिकॉज दैट्स नॉट वी वॉन्ट टू प्रोपोगेट। ये एक बिल्कुल फेल्ड आइडियोलॉजी थी, बट उसको अगर नैरो डाउन हम कर दें और एक सिंपल रियल प्रैक्टिकेबल उसका डेफिनेशन समझे, तो उनका ये कहना था कि जो प्राइवेट ओनरशिप है ना, प्राइवेट ओनरशिप से मतलब क्या है कि लैंड, ऑयल, फॉरेस्ट, ये जो रिसोर्सेज हैं ये प्राइवेट हैंड्स में नहीं होने चाहिए, दे शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट, और फिर उसका इक्वल डिविजन होना चाहिए। मार्क्सिस्ट हुए या सोशलिस्ट हुए, उनका ये कहना था कि सारी प्रॉब्लम ना इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की है, जैसे आप ये हटा दोगे ना तो सारे प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। पब्लिक कंट्रोल कर दो गुड्स का, ये जो आपके असेंशियल रिसोर्सेज है ना, प्रॉपर्टीज है ना, ये सब किसको दे दो, स्टेट को दे दो। ऑब्वियसली हम इसको डिबेट कर सकते हैं राइट, कि सोशलिज्म सही है या नहीं है, बट इसके ऑपोजिट आइडियोलॉजी को एक बार देख लेते हैं कि लिबरल्स क्या कहते हैं। लिबरल्स देखिए बिलीव करते हैं कॉम्पिटिशन में, फ्री मार्केट कॉम्पिटिशन में। वो मानते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आप सबको मार्केट में कम्पीट करने के लिए छोड़ दीजिए, जो सर्वाइव करे वो राजा, जो सर्वाइव ना कर पाए वो नौकर। वो ये बिलीव करते हैं कि स्टेट कम से कम इंटरफेयर करे, अच्छा एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो दे दें, एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज वो दे दें, बट दे बिलीव दैट स्टेट इसके बियॉन्ड कुछ नहीं कर सकते। कॉम्पिटिशन होगा, फेयर कॉम्पिटिशन होगा, एज लॉन्ग एज ये कॉम्पिटिशन ओपन है, फेयर है, इन इक्वालिटीज अगर इसकी वजह से आ रही हैं तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज हैपनिंग ड्यू टू द टैलेंट्स एंड द एफर्ट्स ऑफ द पीपल। आई वर्क हार्ड सो आई क्लियर्ड, समबडी डिड नॉट वर्क हार्ड सो दे हैड टू सफर, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने एक मल्टी मिलियनेयर एम्पायर एस्टैब्लिश करा है तो अपनी मेहनत से करा है। दिस इज द आइडिया ऑफ लिबरल्स। लिबरल्स का यह मानना है कि कॉम्पिटिशन इज द रूल ऑफ नेचर, द बेस्ट वे टू इंश्योर इक्वालिटी इज टू गिव जस्ट कॉम्पिटिशन, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। वंस यू गिव अ लेवल प्लेइंग फील्ड दैट्स इट, दैट्स फेयर इनफ, उसके अलावा यू शुड नॉट इंटरफेयर एंड लेट मार्केट कॉम्पिटिशन डिसाइड। सोशलिस्ट की तरह लिबरलिस्ट ये नहीं मानते कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज लिंक्ड है। सोशलिस्ट क्या मानते थे, आप इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दीजिए, पॉलिटिकल और सोशल अपने आप हट जाएंगे। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये इक्वालिटीज अलग, इनइक्वालिटीज अलग अलग हैं और इन तीनों को अलग अलग तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी अगर आप ले आएंगे तो पॉलिटिकल इक्वालिटी तो आप अचीव कर लेंगे, क्यों, क्योंकि आप यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ले आएंगे, सबके पास राइट टू वोट होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट सोशल डिफरेंसेस और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज के लिए आपको एक अलग स्ट्रैटेजी लेकर आनी पड़ेगी। तो व्हाट इज द प्राइम डिफरेंस, सोशलिस्ट ये बिलीव करते हैं कि इकोनॉमिक इक्वालिटी हटाओ, इनइक्वालिटी हटाओ, बाकी दोनों अपने आप हट जाएंगी। लिबरलिस्ट कॉम्पिटिशन में बिलीव करते हैं, कहते हैं फ्री मार्केट कॉम्पिटिशन दे दो, उसके बाद हुएवर सर्वाइव सर्वाइव्स, एंड ऑल थ्री इनइक्वालिटीज हैव टू बी टैकल्ड सेपरेटली। अब दो बॉक्सेस में आपके साथ डिस्कस करूंगी क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमें किताब पढ़ा रही है अबाउट फेमिनिज्म, अ वर्ड विच इज ऑफन मिसअंडरस्टूड, नॉट टेकन वेरी पॉजिटिवली, बट इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। फेमिनिज्म एक ऐसी डॉक्ट्राइन है जो ये बिलीव करती है कि मेन एंड वुमेन हैव इक्वल राइट्स। सिंपल, फेमिनिस्ट होना के लिए आपको औरत होना जरूरी नहीं है। यू माइट बी अ मैन, you might be a woman, you have just have to have one belief ki men or women equal hai, right? If you believe that, you are a feminist. Now you ask yourself, are you a feminist or not? So feminist scholars ka ye manna hai ki men and women are neither naturally unequal nor necessarily unequal. So na to ye inequality natural hai, na hi ye necessary hai, ye actually man made hai, एंड इट इज़ द रिजल्ट ऑफ पेट्रियार्की। वॉट इज पेट्रियार्की, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ आप हेड एक मेल मेम्बर को मानते हो, चाहे वो फैमिली हो, सोसाइटी हो या नेशन हो, उसके हेड आप एक पेट्रियार्क, एक मैन को मानते हो, उसको कहते हैं पेट्रियार्की। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर वुमेन एंड वुमेन मैन आर गिविन मोर पावर देन द वुमेन, राइट? इट इज अज्यूम दैट मैन आर मोर पावरफुल देन women.
पेट्रियार्की इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि मेन और विमेन बाय नेचर डिफरेंट है, और इस डिफरेंट की वजह से डिफरेंस की वजह से इनकी जो पोजिशन है वो भी अनइक्वल है. अब इस बात को सॉल्व करने के लिए फेमिनिस्ट हमें एक सिंपल सा अंतर समझाते हैं बिटवीन सेक्स एंड जेंडर. सेक्स इज समथिंग दैट इज बायोलॉजिकली असाइंड टू यू, यानी कि आप जब पैदा होते हैं यू कैन बी अ मेल, यू कैन बी अ फीमेल, और यू माइट बिलोंग टू द थर्ड जेंडर. ये आपके पैदा होने से एसोसिएटेड है. व्हेन यू आर बॉर्न इन अ सर्टेन बायोलॉजिकल फॉर्मेट, बायोलॉजिकली जो आपका डिटर्मिनेशन है उसको हम सेक्शुअल डिटर्मिनेशन कहते हैं. बट जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जिसे सोसाइटी ने बनाया है. लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. इट इज अ बायोलॉजिकल फैक्ट दैट वुमेन वुड बियर चिल्ड्रन, ओके, इन द सेंस कि वो अपने गर्भ में अपने वूम में कैरी करेंगे चाइल्ड को. ये एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है. दिस इज समथिंग दैट हैज बीन डिसाइडेड बाय नेचर. बट हु डिसाइडेड कि चिल्ड्रन जो बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की है. दिस इज अ जेंडर रोल. तो द आइडिया हियर इज सेक्स इज समथिंग दैट इज डिटरमाइंड बाय बायोलॉजी, बट जेंडर इज समथिंग दैट इज डिटरमाइंड बाय सोसाइटी. इस बात को समझिएगा. तो इट माइट बी अ सेक्सुअल डिफरेंस दैट यू आर एबल टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, बट इट इज अ जेंडर कंस्ट्रक्ट दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट चाइल्ड एज अ वुमन, एंड द मैन इज नॉट responsible for taking care of the child. तो यही फेमिनिस्ट का मानना है कि आप इस अंतर को खत्म कर दीजिए. जो आपने जेंडर डिफरेंसेस रोल्स असाइन किए हैं उनको आप खत्म कर लीजिए, क्योंकि पेट्रियार्की ये अज्यूम करती है कि वुमेन की जो स्पेस है ना वो डोमेस्टिक या फिर प्राइवेट स्पेस है. आपका काम क्या है? आपको घर पे रहना है, घर की देखभाल करनी है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली. और मेन का जो डोमेन है वो पब्लिक डोमेन है. तो वुमेन आर बिलोंग टू द प्राइवेट डोमेन, मेन बिलोंग टू पब्लिक डोमेन. इस आइडिया को जब आप खत्म कर देंगे तब आप पेट्रियार्की को खत्म कर देंगे. एंड इन फैक्ट इवन इन मॉडर्न हाउस होल्ड्स जहाँ वर्किंग वुमेन है वहाँ भी ये अज्यूम किया जाता है कि घर का काम तो फिर भी औरत की जिम्मेदारी है. दिस इज नोन एज डबल बर्डन. वुमेन फेस द प्रॉब्लम ऑफ वॉट यू कॉल एज डबल बर्डन, क्योंकि बाहर का तो आप करके आ रही है बिकॉज यू आर वर्किंग, बट यू हैव टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर हाउस. एंड On the top of this, you have no say in the decision making. अब आप समझ रहे हैं no say in the decision making कहाँ से आ रहा है? Gender construct है. Society ने decide किया ये that men will have to take major decisions and women will have to follow. ये feminism का बड़ा beautiful एक explanation इस block में दिया हुआ है. You can use it while you are writing your answers and it will really add weight to your answer. एक block और है which explains socialism. थोड़ा सा हमने इसको पढ़ा भी था और देख लेते हैं. एक ऐसे सेट ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज जो ये बिलीव करते हैं कि ये जो पूरी इनइक्वालिटी है ना ये एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी की वजह से आई है. तो सोशलिस्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें इस इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करना है, और उसके लिए ना हमें रिसोर्सेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. तो उनका ये नहीं कहना है कि आप मार्केट बिल्कुल ख़त्म कर दो, पर उनका ये कहना है कि जो मेजर डोमेन्स हैं जैसे कि एजुकेशन, प्लानिंग, हेल्थ केयर, ये सारे गवर्नमेंट के हाथ में होने चाहिए, गवर्नमेंट कंट्रोल में होने चाहिए ताकि रिसोर्सेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके. आपको ब्यूटीफुली राम मनोहर लोहिया जी के बारे में भी इस पर्टिकुलर ब्लॉक में पढ़ाया गया है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है व्हाई, बिकॉज ही वॉज द वन हु सेड दैट देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज. इनिशियली ही गेव फाइव टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज. उन्होंने कहा ये सबसे हमें लड़ना पड़ेगा. पहला द इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमन, द इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन स्किन कलर, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, कॉलोनियल रूल में जो इनइक्वालिटी है जैसे वो खुद की कंट्री को ट्रीट करते हैं और अपने कॉलोनीज को ट्रीट करते हैं, एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. उन्होंने कहा ये पाँचों अलग अलग हैं और हमको पाँचों से अलग अलग जो है ट्रीट करते हुए इनको सॉल्व करना पड़ेगा. दे आर इंटरलिंक्ड but you'll have to solve each five of these separately. Later उन्होंने इसमें दो और ऐड करे थे. उन्होंने बोला सिविल लिबर्टीज, अनजस्ट इंक्रोचमेंट जो हो जाता है प्राइवेट लाइफ, गवर्नमेंट जो करती है ये खाओ ये पियो इससे शादी करो, ऑल दैट, एंड रेवोल्यूशन फॉर नॉन वायलेंस, ताकि पूरी तरह से वेपन्स को हटा दिया जाए और सत्याग्रह के मार्ग पर चला जाए. इन सात को मिलाकर कहा जाता है सप्त क्रांति. दे माइट आस्क यू क्वेश्चन ऑन दिस कि सप्त क्रांति किसकी फिलोसफी थी. Remember, सप्त क्रांति was the philosophy of राम मनोहर लोहिया.
वेरी इंपॉर्टेंट, राम मनोहर लोहिया जी ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्त क्रांति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर इन ब्लॉक्स से भी कई बार ना आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप तैयार रहा करें, इन ब्लॉक्स को छोड़े ना, एटलीस्ट जो कॉन्सेप्ट बेस्ड ब्लॉक्स हैं उनको आपको कवर कर लेना चाहिए। इस इक्वालिटी को लेकर कैसे आए, हाउ डू वी प्रमोट इक्वालिटी, अब देखिए इसके कुछ तरीके हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ना आपको फॉर्मल इक्वालिटी लेकर आनी पड़ेगी, ये फर्स्ट स्टेप है। क्या मतलब है इसका, थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए हम एक अनइक्वल वर्ल्ड में रहते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, कुछ तरीके की इनइक्वालिटी ऑलरेडी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, जिनको हटाने के लिए आपको कुछ लीगल चेंजेस लेकर आने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट करती थी, ये एक ग्रॉस फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी थी जिसके बारे में हम सबको पता है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या लेकर आए, हमने आर्टिकल 17 के थ्रू इसको अबॉलिश किया और ये बोला कि अनटचेबिलिटी एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। कास्ट सिस्टम, इसके अगेंस्ट वी डेफिनेटली हैव राइट टू इक्वालिटी, जहां आप लोअर कास्ट के साथ एक तरह से बिहेव नहीं कर सकते, द सो कॉल्ड लोअर क्लास इफ आई मे कॉल इट। ये प्रॉब्लम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, जब आप एक फॉर्मल तरीके से लीगल मेथड के थ्रू इस प्रिविलेज को खत्म करते हैं ऑफ सर्टेन पीपल हु एंजॉय दिस प्रिविलेज, या फिर उस रेस्ट्रिक्शन को हटाते हैं जो कुछ लोग सफर कर रहे थे, उसको पहला स्टेप ऑफ एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी कहा जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अनटचेबिलिटी के बारे में देख लीजिए, या फिर अबोलिशन ऑफ टाइटल्स देख लीजिए, भारत में जो राजा महाराजा टाइटल्स कैरी करते थे उनको अबोलिश किया गया। ये दोनों ही तरीके से आपने क्या करा, फॉर्मल तरीके से एक तरफ प्रिविलेजेस को खत्म किया और दूसरी तरफ रेस्ट्रिक्शंस को दूर किया। इसके लिए आपको एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड चाहिए होता है, द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड मस्ट मेंशन इट इन इट्स पेजेस। इसीलिए आप भारत में क्या देखते हैं, राइट टू इक्वालिटी, इस बात को लेकर कोई डाउट नहीं है कि एक लीगल प्रिंसिपल बहुत जरूरी है इफ यू वॉन्ट टू मूव अहेड। सो वन वे टू एस्टैब्लिश इक्वालिटी इज लीगल मेथड, जिसके थ्रू आप एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी को खत्म करते हैं, एंड दैट इज व्हाई यू हैव समथिंग बाय द नेम राइट टू इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू, इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। अभी सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि एक तरफ आप इक्वालिटी कह रहे हो, फिर आप बोल रहे हो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अभी समझते हैं इसको। देखिए फॉर्मल इक्वालिटी बहुत जरूरी है, इक्वालिटी बिफोर लॉ बहुत जरूरी है, बट वो सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ ये कह देने से कि आज से सब इक्वल है, हर तरीके का रेस्ट्रिक्शन हट जाएगा, डज नॉट मेक पीपल इक्वल। कभी कभी आपको दो लोगों को डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ता है अगर आप उनको सच में इक्वल बनाना चाहते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने कहा कि अब हर कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है डॉक्टर बनने के ऊपर। एक बच्चा है जो डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करता है, उसके मदर फादर दोनों डॉक्टर हैं, दे आर अर्निंग वेल, दे आर नाइस हैंडसम सैलरीज एंड पैकेजेस। और एक बच्चा है जो एक स्लम एरिया से उठ कर आया है, अच्छी पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पास इनफ मनी नहीं है। गवर्नमेंट इन दिस सिचुएशन माइट गिव स्कॉलरशिप टू दिस पर्सन एंड माइट नॉट वॉन्ट टू गिव स्कॉलरशिप टू दिस पर्सन ऑल्सो बिकॉज ये पर्सन मेरिटोरियस है। बट यहाँ पर ये इंसान ये बोल सकता है कि ये तो गलत कर रहे हो आप, ये तो इक्वालिटी नहीं है, तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है। बट ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जस्टिफाइड है बिकॉज रिमेंबर दे डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग पॉइंट टू बिगिन विथ। जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही सेम नहीं है, तब आप अगर कुछ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हो तो दैट इज ओनली टेकिंग यू टूवर्ड्स इक्वालिटी। टेक फॉर एग्जाम्पल रैम्प्स, अगर किसी पब्लिक प्लेस में स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए रैम्प लगाया जाए, तो आप क्या बोलोगे कि ये रैम्प मुझे भी चाहिए, इनको ही क्यों दिया गया। यू कांट से दैट बिकॉज उस पर्टिकुलर इंसान को उस स्पेशल रैंप की ज़रूरत थी ताकि वो आपके बराबर आ सकें। आप ऑलरेडी उस पोजिशन पे हैं, बट टू ब्रिंग यू देयर द स्पेशल फैसिलिटी हैड टू बी मेड। अगर विमेन कोई कॉल सेंटर में काम कर रही हैं, लेट नाइट शिफ्ट्स कर रही हैं एंड दे आर डिमांडिंग फॉर अ सेफ जर्नी बैक होम, तो ये अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं है, दिस इज डिफरेंशियल ट्रीटमेंट टू ब्रिंग अबाउट इक्वालिटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेकेंड स्टेप है of bringing about equality, where you might have to do what is known as affirmative action. Affirmative का मतलब होता है positive, right? Positive action का यहाँ मतलब क्या है? इससे पहले आपने बोल दिया था सब बराबर है, सब inequality हम खत्म कर रहे हैं। This was
पुटिंग एन एंड टू इनइक्वालिटी, बट क्या पुटिंग एन एंड टू इनइक्वालिटी इज गिविंग इक्वालिटी टू पीपल? नहीं, यहाँ पर आपको कुछ ऐसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्रिएट करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे ताकि वो लोग जो रेस में बहुत दूर हैं वो आगे आ सकें. एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द आइडिया ऑफ अफर्मेटिव एक्शन. देखिए, अफर्मेटिव एक्शन एज आई सेड पॉजिटिव एक्शन है जिसका एक सिंपल सा बिलीफ है कि सिर्फ ये बोल देने से दैट देयर इज इक्वालिटी या एक फॉर्मल तरीके से अनइक्वालिटी को अबॉलिश कर देने से समाज में इक्वालिटी नहीं आ जाती. आपने वो फेमस पिक्चर देखी होगी, लेट्स से एक स्टेडियम है, एक बहुत ऊंची हाइट का बच्चा है और एक छोटी हाइट का बच्चा है. मैंने दोनों को बोला तुम फ्री हो, दोनों इक्वल हो, कोई इनइक्वालिटी नहीं है, जाके मैच देखो. अब एक बड़ी सारी दीवार है, ये जो लंबा है वो तो जाके ईजिली देख रहा है और ये छोटा देख नहीं पा रहा. तो मैंने इस छोटे वाले को जाकर एक लंबा सा स्टूल दे दिया, ये छोटा वाला इस पर खड़ा हो गया और अब आराम से मैच देख रहा है. दूर से देखोगे तो लगेगा ये तो अनइक्वल हो रहा है यार, इसको आपने स्टूल दिया, इसको आपने स्टूल नहीं दिया. बट अगर पास से जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये इनिशियली दोनों इक्वल थे ही नहीं, एक लंबा था एक छोटा था. तो जब आप एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को दूर करने के लिए कोई पॉजिटिव मेजर लेते हो ताकि आप इनइक्वालिटी को मिनिमाइज कर सको, तब उसे कहा जाता है अफर्मेटिव एक्शन. इस एग्जाम्पल में मैंने पॉजिटिव स्टेप क्या लिया था, इस बच्चे को ये स्टूल देकर. तो अफर्मेटिव एक्शन इज नथिंग बट दोज पॉलिसीज विच आर मेड बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज. तो इसीलिए आप इंडिया में रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं. अभी तक जो डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज थी उनको रेस में आगे लाने के लिए आपने रिजर्वेशन दिया, स्कॉलरशिप दिया, स्पेशल कंसिडरेशन दिया, या रिसेंटली EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं जो रेस में पीछे हैं उन्हें आगे लाने के लिए आपने क्या करा, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट करा उनके साथ में. बट यहाँ पर हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि ये अफर्मेटिव एक्शन भी टाइम बाउंड होना चाहिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. भारत में देख लीजिए, रिजर्वेशन 10 साल के लिए आई थी इनिशियली, वो तो खैर बाद में वो एक्सटेंड होती रही. आई एम नॉट हियर टू डिबेट अबाउट रिजर्वेशन, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जो आप स्पेशल जो है असिस्टेंस दे रहे हैं या अफर्मेटिव एक्शन कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी इसको कहते हैं, ये टर्म याद रखिएगा. आप डिस्क्रिमिनेट तो कर रहे हो लेकिन पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो. जब आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन लेकर आते हैं, जब आप अफर्मेटिव एक्शन लेकर आते हैं, तो इट शुड बी टेम्पररी इन नेचर. कब तक? जब तक कि वो इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं. जब तक वो इनइक्वालिटीज हैं तब तक आपको ये पॉजिटिव अफर्मेशंस या यू नो अफर्मेटिव एक्शंस लेकर आनी पड़ेंगी, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा. वंस दैट इज इक्वलाइज्ड तब आप वो हटा सकते हैं. तो हमारा भी यही प्लान था इनिशियली रिजर्वेशंस के साथ. बट यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर, जब आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या फिर अफर्मेटिव एक्शंस ले रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कहीं ये ओवरडू ना हो जाए और ऐसा ना हो जाए कि हम ओवर द टाइम एक नई तरीके की इनइक्वालिटी को जन्म दे दें. यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. देखिए, कई लोग ना पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को इस मामले में क्रिटिसाइज भी करते हैं और ऐसा कहते हैं कि आप कहीं ना कहीं इससे और ज़्यादा दूरियां पैदा कर रहे हैं, और ज़्यादा इससे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं. बिकॉज इक्वालिटी तो ये अज्यूम करती है कि सब लोग बराबर हैं. फिर अगर आप कुछ लोगों को रिजर्वेशन दे रहे हैं, कुछ लोगों के साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो आप तो अगेन यू आर अग्रीइंग दैट दे आर अनइक्वल, दे फेस इनइक्वालिटी. तभी तो आप उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं या यू आर गिविंग देम सर्टन बेनिफिट्स. तो उनका ये कहना है दिस इज रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन. अभी तक उनके साथ डिस्क्रिमिनेट हुआ, अब आप एक दूसरी कैटेगरी के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो. दिस इज बाय द पीपल हु थिंक दैट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट करेक्ट. उनका ये मानना है कि हमें हर तरीके के डिस्टिंक्शंस, हर तरीके के डिवाइड्स सोसाइटी से हटा देने चाहिए. नाउ व्हाट डू वी कंक्लूड हियर? देखिए, एवरीबडी हैज़ राइट टू लिव इन अ सोसाइटी, एवरीबडी हैज़ द राइट टू सीक एम्प्लॉयमेंट, एंड इसमें जो कॉम्पिटिशन है ना वो फेयर होना चाहिए. अब कभी कभी अगर इस कॉम्पिटिशन को फेयर बनाने के लिए कुछ लोगों को स्पेशल हेल्प देनी पड़े तो दैट इज़ परफेक्टली ओके. बट ये बहुत ज़रूरी है कि हम आइडेंटिफाई करें किसको हेल्प चाहिए. हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें पता ही नहीं है कि इसका बेनिफिट कहाँ पहुँच रहा है. अगर तो इस पूरे सिस्टम से उन लोगों को बेनिफिट हो ही नहीं रहा जिनको होना चाहिए,
तो पूरे अफर्मेटिव एक्शन पे ही क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और अगर वो लोग फायदा उठा रहे हैं जो ऑलरेडी एक सर्टेन लेवल तक पहुंच चुके हैं, तो वो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो हाउ डू आई कंक्लूड इट हियर? इट इज ओके टू हैव अफर्मेटिव एक्शन, इट इज वेरी गुड टू हैव पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि उसका फायदा किसको पहुंच रहा है, क्या उससे सच में इनइक्वालिटीज रिड्यूस हो रही हैं। अगर नहीं हो रही तो वी हैव टू टेक अ रीलुक एट आर पॉलिसीज, राइट। एंड आप हर जगह देखिए इनइक्वालिटीज बहुत ज़्यादा हैं। आई जस्ट टोल्ड यू देर आर सो मेनी पुअर चिल्ड्रन रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज, अर्बन स्लम्स, जो स्कूल अटेंड ही नहीं कर पाते, एडमिशन ही नहीं हो पाते, तो आप किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाते। आप कहते हैं सबका एडमिशन हो सकता है, बट ये तो कोचिंग की फीस ही अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड है, आप इक्वल कहाँ हुए? ये वाले एरियाज पे काम करना जरूरी है, ओनली देन वी वुड बी एबल टू अचीव वॉट वी कॉल एज इक्वालिटी। अल्टीमेटली पॉलिसीज ही हैं गवर्नमेंट की जो ये डिसाइड करेंगी कि हम एक इगैलिटेरियन या एक इक्वल समाज बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, सबको बराबर ट्रीट करना, ट्रीटिंग एवरी वन इन एन आइडेंटिकल मैनर एंड ट्रीटिंग एवरी वन एज इक्वल, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। यू कॉन्ट ट्रीट पीपल इन एन आइडेंटिकल मैनर, यू कॉन्ट ट्रीट द पी एम सेम एज दैट ऑफ अ नॉर्मल सिटीजन, बट दैट डज नॉट मीन कि सिटीजन की कोई डिग्निटी नहीं है। यू हैव टू कंसिडर दैम इक्वल जब कोई लॉ की बात आ रही है, जब ह्यूमन डिग्निटी की बात आ रही है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सबको एक जैसा ट्रीटमेंट देना पॉसिबल नहीं है, पर सबको इक्वल मानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए और उस पर केयरफुल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं दीजिए, दे शुड बी जस्टिफाइड, वी शुड रिव्यू देम, वी शुड रिफ्लेक्ट कि उसका फ़ायदा क्या सच में उनको हो रहा है जिनको होना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ इट, तो बिल्कुल भी गलत मत करिएगा। ये जो बहुत सारे इशू हमने इक्वालिटी के डिस्कस किए, ये वुमेन राइट्स से रिलेटेड भी हैं, बिकॉज जेंडर इनइक्वालिटी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देयर वाज टाइम व्हेन वर्ल्ड ओवर वुमेन डिड नॉट हैव राइट टू वोट, सो दे वर फाइटिंग फॉर राइट टू वोट, देन दे फॉट फॉर राइट टू एजुकेशन, देन दे फॉट टू राइट टू प्रॉपर्टी, राइट। थैंकफुली इंडिया में जब से हम आज़ाद हुए तब से हमारे पास राइट टू वोट है, वुमेन हैड राइट टू वोट, राइट। बट समटाइम्स इन जेंडर क्रिएटिंग जेंडर इक्वालिटी ऑल्सो आपको अफर्मेटिव एक्शन लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ वुमेन माइट गो आउट एंड वर्क, बट अगर उनके बच्चे हैं एंड दे हैव टू टेक केयर ऑफ दैट चाइल्ड, तो आप क्रेच फैसिलिटी डिवेलप करिए, मटर्निटी रिलीफ की बात करिए। अब आप इसमें ये नहीं कहेंगे कि मटर्निटी रिलीफ तो अनइक्वल है, राइट। सो देयर शुड बी पैटर्निटी रिलीफ ऑल्सो, बट डेफिनेटली मटर्निटी लीव वुड बी मोर देन पैटर्निटी लीव, राइट। Simply because the child would need mother more in the biological sense of the term. So, agar to division barabar hai labor ka, to aap barabar leaves de dijiye, koi dikkat nahi hai. But sometimes you have to bring in certain affirmative action for the women also to bring about gender equality. In other words, jaisa ki main baar baar keh rahi thi, kabhi kabhi differently treat karna galat nahi hai, as long as it is done to bring the two sections together or on the same page. But इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है, यहाँ पर हमें बहुत careful रहना पड़ेगा, ये affirmative action देने का, ये differential treatment देने का ये मतलब नहीं है कि आप नए तरीके की dominance create कर दें या नए तरह का operation create कर दें कि अब तो वो ए पहले ए बी को दबा रहा था, अब बी ए को दबाने लग जाए। This is not what we aspire. We don't want to create new dominant groups. We want to create an equal society. आपने देखा कितना beautiful chapter था ये, कितने सारे concepts इसमें interlinked थे। I hope आपको ये concept समझ में आए। Leave me a comment in the comment box. Tell me आपको ये concept समझ में आया या नहीं आया। What do you agree with? What do you think about it? Let me know in the comment section. अच्छे से पढ़ाई करिए। All the best.